तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि कितने टाइप्स के जो हमारे पास रोड होते हैं उनका क्लासिफिकेशन होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी डिटेलिंग क्या होती है, सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कोई सा भी रोड का टाइप नहीं रहेगा जो आपको पता नहीं हो। तो इस वीडियो में हम एक एक चीज़ डिटेलिंग के बारे में जानेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी इसलिए हो सकती है क्योंकि रोड के हमारा क्लासिफिकेशन का बेस होगा और उस बेस के बाद उसमें भी हमारे अदर क्लासिफिकेशन होंगे। फॉर सपोज कि जैसे मटेरियल्स को लेके तो नहीं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल्स, मैंने ऐसे पहले बहुत सी वीडियो बनाई है छोटी छोटी की रोड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, बेस्ड ऑन देयर लोकेशंस जिसमें हमारे पास बहुत से आते हैं, बेस्ड ऑन देयर वर्क, बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन देयर ट्रैफिक। तो इस वीडियो में हम एक साथ डिटेलिंग में बात करेंगे कितने टाइप्स के जो हमारे पास रोड होते हैं। तो रोड के बारे में इस वीडियो में हम टोटल बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। तो ज्यादा इस वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित एंड यू आर वाचिंग सिविल टेक हिंदी। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं रोड के क्लासिफिकेशन के बेस के बारे में कि क्या बेस लेके हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मटेरियल को बेस लेकर हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो हमारे पास 7-8 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो जिसमें हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहला जो हमारा रोड होता है वो हमारा अर्थन रोड। अर्थन रोड बेसिकली क्या होता है कि जो मेरी रोड की सरफेस होती है उसी पर हम एक अच्छे तरीके का पेमेंट क्लियर कर देते हैं। तो बहुत से लोग के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि अर्थन रोड को हम कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते। जब भी हम रोड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम उसमें स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर सपोज लाइक कि हमने अदर रोड की क्लासिफिकेशन बात की, जैसे कॉन्क्रीट रोड हो गया, जैसे बिटुमिनस रोड हो गया, तो उसमें हम पर्टिकुलर कॉम्पैक्शन करते हैं, उसमें हम पर्टिकुलर उस पर रोलर वगैरह चलाते हैं। तो अर्थन रोड में भी हम चलाते हैं लेकिन कम मात्रा में चलाते हैं क्योंकि अर्थ की जो सरफेस होती है वही रोड। तो इस रोड का जो यूज होता है वो वहाँ पर इस रोड का यूज में लिया जाता है जहाँ पर ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंस नहीं होती है या फिर ज़्यादा हमारे पास ऐसे नहीं होती कि इस पर ज़्यादा ट्रैफिक आने वाला है। ग्रेवल रोड तो अर्थन लेवल से एक ऊपर क्लासिफिकेशन का, ये अर्थन लेवल से उसकी जो लेवल होता है ये थोड़ा सा ऊपर होता है। लेवल मीन की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी अप होती है। ग्रेवल रोड में क्या होते हैं, हमारे जो सबसे पहले हमारा जो अर्थन रोड होता है उसके ऊपर हम अच्छे तरीके से बेस क्रिएट कर देते हैं और इस चीज़ के बाद उसमें ग्रेवल डाल देते हैं और फिर उसका अच्छे तरीके से कॉम्पेंसेशन कर देते हैं ताकि वो ग्रेवल अच्छे तरीके से इंटरलॉक हो जाते हैं और एक अच्छे तरीके का हमको पेमेंट प्रोवाइड होता है। आपने बहुत से देखे होंगे इस टाइप के रोड जो आपको इमेजेस में दिख रहे हैं, आपने बहुत सी बार देखे होंगे रोड। और जैसे ग्रेवल रोड होते हैं, जैसे हमारे पास मुरुम रोड होता है, मुरुम रोड मीन क्या होता है, मुरुम रोड जो हमारी जो सिल्ट होती है, जो हमारी जो छोटी छोटी रेत होती है, जो हमारी सैंड होती है, सैंड में नहीं कहूँगा सिल्ट कहूँगा, कि जो हमारी सिल्ट होती है वो हम उसके ऊपर एक बार बिछा देते हैं तो उसका भी एक अच्छे तरीके का पेमेंट हमको मिलता है जिस पर हमारे जो। तो ये सारी जो रोड है ये सारी कम यूज़ की रोड है, इसमें हम ज़्यादा कुछ अच्छे तरीके का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं और ये बेसिक रोड होती है जो हमारे विलेजेस में यूज़ में ली जाती है। तो ग्रेवल रोड और मुरुम रोड और एक और मैं बताऊंगा कंकर रोड, ये सारे लगभग एक ही लेवल की रोड है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे WBM रोड के बारे में। WBM रोड के बारे में अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करें तब अच्छे तरीके जानते हो क्योंकि मैंने कम से कम 2 या 3 वीडियो WBM के बारे में डिटेलिंग तरीके के बना लिए। WBM और WMM दोनों के बारे में मैंने डिटेलिंग वीडियो बना दिए, तो अगर आप उसको डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो WBM का हमारे पास सिंपली मीन होता है कि वाटर बाउंड मैकेनिज्म रोड, यानी पानी को डालकर हम जो हमारे रोड के एलिमेंट्स हैं उसको, जो रोड के लेयर्स है उसको अच्छे तरीके से हम इंटरलॉक कर देते हैं। तो हमने कंकर डाले या फिर जो भी हमारी बेस है उस पर पानी डाला, फिर रोलर चलाया तो उसका अच्छे तरीके से कॉम्पेक्शन। WBM एक अच्छी हमारी रोड प्राप्त होती है, लोड बियरिंग रोड भी होती है, यानी जो विलेजेस टू विलेजेस हम ज़्यादा जो रोड यूज़ में लेते हैं या फिर कई से बार ये विलेज टू सिटी को जोड़ने का भी काम करती है। कि जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि WBM किसी भी अच्छी क्वालिटी के रोड का एक बेस होती है, यानी हमें कॉन्क्रीट रोड बनानी है, बिटुमिन रोड बनानी है, तो उसका बेस जो है वो हमें WBM रोड पहले क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर हमारा पेमेंट आएगा। तो दो क्लासिफिकेशन तो मैंने आपको सिंपली ऐसे बताती। तो अगले हमारे जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा कॉन्क्रीट रोड और बिटुमिन रोड। तो कॉन्क्रीट रोड में क्या होता है कि WBM रोड तक तो हमने बनाई है, उस चीज़ के बाद हम ऊपर जो हमारी कॉन्क्रीट की पेमेंट है वो डाल देते हैं। कैसे कॉन्क्रीट की पेमेंट कैसे डालते हैं कि दोनों तरफ टाइबर्स डालते हैं, और बहुत सा कन्फ्यूजन ये रहता है कि कॉन्क्रीट रोड में भी हम रेनफोर्समेंट यानी जो लोहे के सरिए वो यूज़ में लेते हैं, तो कॉन्क्रीट रोड में लोहे के सरिए हम यूज़ में नहीं लेते हैं, रेनफोर्समेंट उसमें नहीं यूज़ में लेते हैं। सिंपल नीचे कुछ भी हम प्लास्टिक बिछा कर या फिर ऐसा कोई मटेरियल बिछा देते हैं जिससे कि कॉन्क्रीट का जो वाटर है वो हमारे अर्थ सोख न ले, उस चीज़ के लिए हम नीचे कुछ भी प्लास्टिक या पॉलीथीन बिछा देते हैं और फिर दोनों साइड में हम जो हमारे जो बार्स होते हैं वो हम लगा देते हैं और डालते हैं और उसकी अच्छे तरीके से क्यूरिंग करते हैं। और जो भी हमारे कॉन्क्रीट रोड के जो प्रोसेस होती है इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया, हाईवेज के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाया, तो उसका आप अगर चैनल सेक्शन में जाएंगे तो आपको वो जो सारे टाइप्स है वो मिल जाएंगे।
उसके बाद हम बात करते हैं बिटुमिन रोड के बारे में। बिटुमिन रोड का भी प्रोसीजर सेम रहता है कि हमने WBM तक तो बनाया और उसके ऊपर हमने बिटुमिन की बिटुमिन की कोटिंग करके बिटुमिन की दो लेयर बिछा कर या दो लेयर या तीन लेयर बिछा कर जितनी भी जो हमारे पास एस पर BOQ में हमारे पास स्पेसिफाइड होती है वो लेयर बिछा कर अच्छे तरीके से हम कॉम्पेक्शन कर देते हैं। तो बहुत सा कन्फ्यूजन ये रहता है कि कॉन्क्रीट और बिटुमिन में से कौन सी रोड अच्छी रहती है। तो दोनों ही अपने अपने हिसाब से अच्छी होती है कि जहाँ पर हमारे पास बिटुमिन का यूज़ है वहाँ पर हमारे पास बिटुमिन सफिशियंट होती है, जहाँ पर कॉन्क्रीट का यूज़ है वो कॉन्क्रीट सफिशियंट होती है। अगर हम लंबे टाइम के लिए बात करते हैं तो हम कॉन्क्रीट रोड को यूज़ में लेते हैं क्योंकि ड्यूरेबल होती है। और इसमें बस कॉन्क्रीट रोड के डिसएडवांटेज है कि इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लगती है, इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है और लंबे टाइम तक ये ड्यूरेबल रहती है। जबकि बिटुमिन रोड में क्या होता है, बिटुमिन रोड में इसके मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है और इनिशियल कॉस्ट काफ़ी कम होती है। तो दोनों अपने अपने जगह पर सही होती है कि कहाँ पर हमें कौन सी रोड यूज़ में लेनी है। तो अगला हम जो बेस लेते हैं वो बेस लेते हैं हम क्लासिफिकेशन, रोड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन एंड इट्स फंक्शन। तो ये चीज़ तो एक छोटा बच्चा भी जानता है जो मैं क्लासिफिकेशन आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आते हैं हमारे नेशनल हाईवे जो किसी अच्छे ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए एक सिटी को दूसरी सिटी जोड़ते हैं और वो सिटियाँ काफ़ी बड़ी होती है। तो स्टेट हाईवे जो होते हैं वो इंटर स्टेट के लिए दो सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए, फिर पब्लिक पर्पज़ के लिए। और स्टेट हाईवे के बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड की, जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरी डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करते हैं वो होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड। और फिर होते हैं हमारे विलेज रोड जो विलेज टू विलेज जोड़ते हैं एक दूसरे को। तो जो हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं अगर हम प्रैक्टिकल रूप में देखें तो उनकी जो क्वालिटीज़ होती है पेमेंट्स की वो काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि हमें लंबे टाइम के लिए चलाना होता है और यूजेस भी उसके ज़्यादा होते हैं, यानी 24/7 उसके बहुत ही ज़्यादा उसमें ट्रैफिक आता है और उसको बहुत ही हम ज़्यादा यूज़ में लेते हैं ट्रांसपोर्टेशनल पर्पज़ के लिए, उसको हम ज़्यादा यूज़ में लेते हैं इसलिए उसकी क्वालिटी भी हमें अच्छी रखनी पड़ती है। फिर आते हैं हमारे स्टेट रोड, स्टेट रोड की भी अच्छी रहती है लेकिन उससे थोड़ी सी कम रहती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन रोड बेस्ड ऑन ट्रैफिक वॉल्यूम टाइप। तो ट्रैफिक वॉल्यूम के आधार पर भी हमने रोड को डिफाइन किया हुआ है और इसके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि हमको रोड जो है उसका पेमेंट कैसा बनाना है, यानी उस पर कितना ट्रैफिक आने वाला है तो हम पेमेंट उसका कैसा बनाए, यानी उसका उस पर कम ट्रैफिक आएगा उस पर ज़्यादा आएगा, और ट्रैफिक भी कौन से टाइप का ट्रैफिक आएगा, यानी हैवी लोड्स आएंगे या फिर पब्लिक यूज़ की कार्स वगैरह यही आएंगी, ज़्यादा हैवी ट्रक्स आएंगे, तो उसके हिसाब से हम उसका पेमेंट डिसाइड करते हैं। तो जो ट्रैफिक वॉल्यूम है उसको इसको तीन टाइप में डिफाइन किया गया है, सबसे पहला है लो, उसके बाद में मीडियम और फिर है हाई। तो लो ट्रैफिक वॉल्यूम में क्या होता है, तो IRC ने माना है कि जिस रोड पर 400 व्हीकल्स पर डे यानी एवरेज आ जाती है, 400 व्हीकल पर डे या इससे कम एवरेज आ जाती है पर डे, तो उसको हम काम में लेते हैं लो ट्रैफिक वॉल्यूम में। फिर मीडियम ट्रैफिक वॉल्यूम में हमारा होता है 400 से लेकर 1000 के बीच के, 400 व्हीकल्स पर डे से लेकर 1000 व्हीकल्स पर डे के बीच जिस रोड में आ जाती है यानी जिस एरिया में हमारा आ जाती है उसको हम एज ए कैटेगरी में लेते हैं मीडियम ट्रैफिक वॉल्यूम में। और हाई ट्रैफिक वॉल्यूम में जिस पर 1000 व्हीकल पर डे से ज़्यादा का ट्रैफिक आता है उसको हम एज हाई ट्रैफिक काम में लेते हैं। और इसके हमें पेमेंट भी हमें इसमें अच्छा बनाना होता है, ड्यूरेबल बनाना होता है, ऐसा पेमेंट सेलेक्ट करना होता है जो ड्यूरेबल हो, जो लंबे टाइम तक चले। तो जो नेक्स्ट हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन रोड बेस्ड ऑन इट्स रिजिडिटी, कितना ये फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। तो फ्लेक्सिबल रोड है, फिर फ्लेक्सिबल पेमेंट पे हमें प्रॉपर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। और फ्लेक्सिबल पेमेंट तो और फ्लेक्सिबल रोड में हमारे पास जो WBM रोड्स है, अर्थन रोड है, ग्रेवल रोड है, ये सारी काउंट होती है। और तो बात करते हैं रिजिड पेमेंट की, तो रिजिड पेमेंट में इतना हमें ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है, ये रोड हमारी ड्यूरेबल होती है, ज़्यादा ट्रैफिक को बियर कर सकती है, ज़्यादा लोड को बियर कर सकती है। और ऐसे में कॉन्क्रीट रोड जो होता है वो हमारा एक तरीके का रिजिड रोड होता है, यानी रिजिड पेमेंट होता है हमारा कॉन्क्रीट रोड। तो लास्टली हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन रोड बेस्ड ऑन इट्स टोपोग्राफी। टोपोग्राफी के हिसाब से हमें रोड को डिफाइन करते हैं, सबसे पहला होता है हमारा प्लेन एरिया रोड। प्लेन एरिया रोड में जो हमारे एकदम प्लेन एरिया में बना हो जिसमें ज़्यादा स्लोप्स या फिर ज़्यादा कर्व उसमें नहीं हो तो वो होता है हमारा प्लेन एरिया रोड। और दूसरा होता है हमारा हिली एरिया रोड। हिली एरिया रोड में बेसिकली क्या होता है कि जो हिलीज के एरियाज होते हैं उनमें हम रोड बनाते हैं। तो ये दोनों क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं कि हम सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि हम जहाँ पर हमें रोड बनाने जा रहे हैं वो एरिया कैसा है, वो प्लेन एरिया है या हिली एरिया या फिर अदर कौन सा एरिया, वहाँ पर स्लोप्स वगैरह कितने हैं, वहाँ पर पहाड़ीज कितनी है, अगर पहाड़ी को काटना पॉसिबल है, टनल बनाना पॉसिबल है तो क्या हम वहाँ पर टनल बनाएं या फिर हम सिंपली पहाड़ी के ऊपर से ही रोड बना लें। ऐसे काफ़ी एरियाज हमने देखे होंगे जहाँ पर पहाड़ी के ऊपर से रोड होता है, या फिर आप अगर इंडिया के नॉर्थ साइड में
चले जाएं कश्मीर साइड श्रीनगर साइड या फिर हिमाचल साइड, तो वहाँ पर आपको ऐसे हिली एरियाज रोड ज़्यादा मिलेंगे। और इसमें हमें स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है पेवमेंट का, कि अगर इसमें इसके मेंटेनेंस होता है तो एक तो हिली एरिया रोड वहाँ पर स्लोप काफ़ी ज़्यादा होता है, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रख के चलना पड़ता है। और प्लेन एरिया में भी हमें ध्यान रख के चलना पड़ता है कि हमारा जो पेमेंट जो है वो थोड़ा सा ड्यूरेबल हो, ट्रैफिक उस पर किस टाइप का आ रहा है, उस पर जो लोड है वो कितने टाइप का आ रहा है, उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आई होप को ऑलमोस्ट तो सारी चीज़ें रोड्स के जो क्लासिफिकेशन है वो इस वीडियो में कवर हो गए। अगर इसके अलावा भी और कोई रह गए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसको मैं आगे और उसको अच्छे तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मेरे हिसाब से तो यही रोड हम ज़्यादा उसमें जाते हैं, और इससे ज़्यादा अगर हम जानते हैं तो एक प्रैक्टिकल थिंग में वो चीज़ हमारे पास पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे क्लासिफिकेशन है जो हम प्रैक्टिकल थिंग में यूज़ में नहीं लेते, क्योंकि प्रैक्टिकल थिंग में जो हम ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, जो हम एज अ साइट इंजीनियर कभी अगर हम सिविल इंजीनियर जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक तो ज़रूरत होती है बेस्ड ऑन मटेरियल, एक होती है बेस्ड ऑन इसकी लोकेशन, और बेस्ड ऑन इसकी ट्रैफिक कितना क्या उस पर ट्रैफिक आने वाला है। ये बेस हमारे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, कि जब भी हम किस रोड को बनाते हैं तो ये चीज़ें जो होती है ये चीज़ें में ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मुझे मिलेगी और आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और सिविल टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के इतने दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।